देश में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में छात्रों की आत्महत्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं छात्राओं की बात करें तो छात्राओं की आत्महत्या में 61% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कैसे मोदी सरकार पिछले 10 सालों में युवाओं के लिए कलंक साबित हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के आधार पर छात्र आत्महत्या भारत में फैलती महामारी इस नाम से एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में सामने आया है कि देश में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में छात्रों की आत्महत्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं छात्राओं की आत्महत्या में 61% की बढ़ोतरी हुई है। 2 करोड़ का जुमला देकर सत्ता में बैठी मोदी सरकार पिछले 10 सालों से भारत के युवाओं को रोजगार के नाम पर छल रही है। पहले भर्तियां निकलती नहीं है, अगर निकल जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं। 7 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा है और युवाओं को नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मोदी राज में बेरोजगारी ने युवाओं को ना उम्मीदी के दलदल में इस कदर धकेल दिया है कि उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मोदी जी ने युवाओं के लिए देश में हालात ऐसे बना दिए हैं कि उन्हें अब जिंदगी से ज्यादा आसान मौत लगने लगी है।